Oh shit. Ma buona tu colza a caso. तो लास्ट एपिसोड में हमने फाइनली वो स्पीयर ढूंढ लिया था हंटिंग लॉज के अंदर और अब हमें बस इसे रिपेयर करना है जिससे हम उस बेयर को मार सकते हैं। तो फाइनली बाहर निकलते जगह से सही में तो अंधेरा है यहाँ पर और बहुत ही डरावनी फीलिंग आ रही है। वो फोन क्यों बचा था मैं कभी भी पता नहीं किसका फोन था वो और यहाँ पर काम भी कैसे कर रहे हैं। ओके बाहर बेयर नहीं है। ओके तो सबसे पहले हमें वापस भी जाना है हंटिंग लॉज से साउथ होते हुए वापस यहाँ पर आना है। ओ यहाँ पर हम रिपेयर करेंगे फिर उस स्पीयर। ओके गॉड डैम इट ड्यूड तो बूम यस ओके गॉड मैन। और कौन है भैया हु इज इट। अब मेरे को डर भी नहीं लगता है ना उसे लिटरली अगर मैंने निशान चुका तो अलग बात है लेकिन अभी के लिए ओ यार गॉड डैम इट लाइक इट तो अनफेयर है लाइक शायद रियलिस्टिक है। ओ माय गॉड आर यू किडिंग मी लाइक दिस इज जस्ट लेम नाउ गॉड डैम इट भाई मैं बैंडेज बना रहा हूँ और तू मेरे को मारने आ गया फिर से यार मेरे को जल्दी से अंदर जाना चाहिए पता है। देयर यू गो अब जाके खत्म हुआ डैंग इट और मेरा अब टेम्परेचर बहुत कम हो गया बैंडेज बनाने की वजह से। तो हम फाइनली आ गए हैं जहाँ पर हमें रिपेयर करना है स्पीयर। तो थैंक गॉड अनइवेंटफुल था पूरी जर्नी पूरी। ओपन डोर ओ न्यू लोकेशन मेंटेनेंस शेड। अच्छा तो मैं ये नई जगह पर आ गया और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग क्रेजी इन देयर। ओके तो हम फायर स्टार्ट करते हैं जिससे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े जल्दी। देयर यू गो ओ ब्लैक स्क्रीन हो गया व्हाट द हेक लेट्स डू दिस। क्या क्यों पता कैसे क्या था ये क्या था एट फ्यूल ओह शायद वो कटसीन तक हुई। तो मैं वो रिपेयर कैसे करूँ मैं कब से पता है ढूंढ रहा हूँ कैसे रिपेयर करना है वो स्पीयर लेकिन मेरे को मिला नहीं अभी तक। इस आग को यूज करके मैं स्पीयर कर सकता हूँ क्या रिपेयर। ओह स्पीयर हेड द बिजनेस एंड ऑफ अ बियर्ड स्पीयर। हाँ यही करना है मेरे को कैसे क्या करनी हैवी हैमर चाहिए। ओके ओके मैंने देखा था हैवी हैमर यहाँ पर है। यस इट विल ओके अब बनाते हैं बना सकता हूँ क्या मैं। यस बिगिन क्राफ्ट यही बनाना है ना मैं श्योर नहीं वाइज आई एम गोइंग टू गेस कि यही करना है लाइक बियर्ड स्पीयर। गेस आई कैन ऐड ब्लैकस्मिथ टू माय ग्रोइंग लिस्ट ऑफ स्किल्स। ओह वेट बहुत ज्यादा हो गया गाइस मेरा पैर टूट रहा है लेकिन यस एटलीस्ट वी रिपेयर द स्पीयर। और अब आई डोंट हैव टू पुट दिस स्पीयर टू द टेस्ट। हां डूड वो उससे बंदे से कराऊंगा मैं खुद नहीं करूंगा प्लीज। देयर यू गो गेट बैक टू जेरेमाया नाउ वी आर गोइंग बैक टू द ट्रैपर जो मारेगा उस बियर को हमारे लिए इफ ही इज अप फॉर इट। अच्छा अल्टीमेटली मेरे को ही करना पड़ेगा लेकिन आई होप नॉट। ओ माय गॉड हमें पूरा का पूरा रास्ता तय करना है जो हमने लास्ट एपिसोड में किया था। ओ माय गॉड और अगर कुछ रास्ते में हुआ नहीं आई एम गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड। मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि क्या वो बुढ़ा आदमी गायब हो गया या फिर उसके कोई रिमेन्स बचे भी हैं क्या मैं या फिर वो अभी भी वहीं पे है क्योंकि वही वाली थ्योरी याद है ना आपको कि मेरे को लगता है वो भगवान है। तो क्या वो मतलब कुछ और हिंट मिलेगी हमें उसकी। ओके तो जितनी मेरी मेमोरी है हाँ यहाँ पर ही था वो लेकिन अब नहीं है वहाँ पर लेकिन उसके कैंप फायर यहाँ पर है अभी भी तो टेक्निकली लाइक कोई प्रूफ नहीं है कि वो भगवान है बस चला गया उठ के काइंड ऑफ हमारे रास्ते में कैसे आता रहता है वो दैट्स माय क्वेश्चन। ओह यहाँ पर बेयर ने हमें हमारी कार को टेढ़ा कर दिया था याद है। तो हम निकले कैसे यहाँ से आई गेस देयर हैज़ टू बी अ वे अराउंड। आई स्वेयर डूड अगर इस एपिसोड का भी दो घंटे हुए हैं ना मैं आई एम सो डन इसलिए मेरे को रिकॉर्ड करना में जोर आता है गेम क्योंकि अब मेरे को शायद पूरा घूम के जाना है यहाँ से लेकिन अगर यहाँ पर कोई डेड एंड मिल गया तो मैं फिर से अटक जाऊँगा और मेरे को पता नहीं कहाँ जाना है गाइस। ओह हियर यू आर मैं जानता हूँ तो यहाँ पर आके इस बार मैं दूर से मार दूंगा ये ग्रीन वाले बहुत तेज भागते हैं एज यू कैन सी। गॉड डैम इट डूड गॉड डैम इट मैं को इतनी नफरत है इससे। ऑफ कोर्स जैसे मैंने सोचा था भाई हो गया डेड एंड आ गया बहुत बड़ा और एक्चुअली कोई रास्ता नहीं दिख रहा पता है। ओह माय गॉड आर यू किडिंग मी इतना स्टीप हिल कौन क्लाइम कर सकता है कौन। ओह कैन यू लाइक ऐसा लग रहा है मैं ग्लिच कर रहा हूँ इस गेम के पास मैं कोई से स्टोरी प्रोग्रेस करने के लिए ग्लिचेस ढूंढने पड़ते हैं। इज दिस हाउ क्लाइंबिंग वर्क्स इन रियल लाइफ जस्ट क्लिप थ्रू वेयर एवर यू कैन गो आर यू किडिंग मी ये ग्लिच से पहुंचाऊं या फिर रियलिस्टिकली पहुंचाऊं चलो बंद माफ करता सिम को इंडी गेम वाइब्स आई एम राइट बट डोंट वेस्ट माय टाइम गॉड डैंग इट अभी से ही 30 मिनट्स हो चुके हैं एंड वी हैवंट इवन रीच्ड लाइक अ 25% ऑफ द वे। ओके सॉरी गाइस मैं नेगेटिव एनर्जी ला रहा हूं रिकॉर्डिंग में और यहां पर एक और लैंडस्लाइड है जिसमें ऊपर से हम पहले भी गए थे तो शायद इस पर चढ़ना था अनरियलिस्टिक लग रहा है एटलीस्ट लाइक हर गेम में एक पार्ट होता है जो कि अच्छा नहीं लगता राइट तो इसमें अभी तक कुछ भी स्टोरी मोड नहीं हुआ इसलिए एम राहुल आप बोलते हो ना कि थोड़ा सा लंबे वीडियोस बनाया करो लेकिन मैं बनाऊंगा लेकिन मोस्ट ऑफ दिस गेम इज जस्ट वॉकिंग अराउंड एंड बिलीव मी इज नॉट इंटरेस्टिंग। ओके हाइपोथर्मी आ चुका है हमारा टेम्परेचर पूरा जीरो हो चुका है आई नो तो होपफुली हमें कोई आग जाने जगह मिल जाए रास्ते में वरना कैंप फायर करनी पड़ेगी हमें। ओके हम सेकंड एरिया में आ गए वो लेक वाला एरिया यहाँ पर हम जानते हैं ट्रेन मिलती है बीच में लेकिन बहुत दूर है अभी भी वहाँ पर हम आग चला के थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं लेकिन जब तक हम ऐसे ही हैं। ओके अब हम पहुँचे वहाँ पर जहाँ वुल्फ को मारा था हमने बहुत दूर आ गए लिटरली दिख भी नहीं रहा है हम कहाँ से आए थे और अब जाके ट्रेन दिख रही है जहाँ पर हम गर्म हो सकते हैं फाइनली। यस फाइनली ओ मेरे पास है क्या यस स्क्रैप मेटल नहीं ये सब नहीं उठाना मेरे को लिटरली फायर स्टार्ट करनी है प्लीज। ओके देयर यू गो फर्स्ट फायर स्टार्टेड बूम
और उसके बाद ऐड फ्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%. ठीक, कितना टाइम चलेगी? 59 मिनट्स. ओके, एक घंटा सो जाते हैं जल्दी से स्लीप. हाँ, कितना अच्छा लग रहा है. 15 मिनट और रुक जाते हैं थोड़ा सा वार्म करने के लिए. लेकिन मेरी हेल्थ कम हो रही है. व्हाट एफ्लिक्शन? हाइपोथर्मिया रिस्क कैसे ठीक करते हैं इसको? फाइंड सम प्लेस वार्म बिफोर हाइपोथर्मिया डेवलप्स. भाई मैं इतना वार्म हो चुका हूँ, क्या चाहिए आपको? ओके, मेरा ठीक हो गया. 2 घंटे मैंने रेस्ट कर लिया यहाँ पर और थोड़ा सा सही हुआ है. मेरे को और वुड मिल गया था तो मैंने फायर और लाइट कर ली थी. तो नाउ वी आर डूइंग अ लिटिल वेल. और मेरी हेल्थ अभी भी कम है, इसलिए मैं तो कहता हूँ मैं चलना चाहिए इससे पहले हमारा टेम्परेचर फिर से ड्रॉप होना शुरू हो जाए. हो गया शुरू. ओके, थैंक यू म्यूजिक के लिए गेम. हम थोड़ा सा वापस प्यार आ रहा है इस गेम के लिए, क्योंकि लाइक दिस इज अ रियली गुड वर्क ऑफ आर्ट. नो मैटर कितना हार्ड होता है, लेकिन दैट्स लाइफ, दैट्स सर्वाइवल. और बिकॉज आई हैव टू फेस इट, आई डोंट हैव टू लव इट, नाइदर डू यू, लेकिन इट इज़ रियलिटी. तो अच्छा दिखाया है वो रिप्रेजेंटेशन, अच्छा सर्वाइवल का. ओ ओ बेयर, व्हाट? तो इमोशंस लगा रहा हूँ मेरे को इस बेयर के लिए. Not feeling so cocky now, huh? Oh. And all it took was for me to go full-on Grizzly Adams. I'd better get out of here before he comes back. ये क्या था? Okay, वो डर रहा है मेरे से, लेकिन वो आ नहीं सकता, वहाँ से कूद नहीं सकता. और don't you feel sorry for the bear, okay? Don't you feel sorry. Leave forlorn musket. Thank God, तो हम finally last area में आ गए, trapper के area में आ गए. एक बार ये देख रहे हो सीन, पूरा जा रहा है ना दूर तक. मेरे को लिटरली वॉक करना है वहाँ तक, एंड आई कांट रन बिकॉज अगर मैं रन किया तो मेरे को नींद आ जाएगी और फिर मैं सामान नहीं उठा पाऊंगा. तो आई हैव टू वॉक द एंटायर डिस्टेंस, जो कि रियलिस्टिक है आई नो, लेकिन कैसे होता हूँ मैं गाइस? चलो ठीक है. ओह माय गॉड, ठीक है मेरे को कैंप करना पड़ेगा रास्ते में. ओके, देयर यू गो अगेन, मेरा टेम्परेचर फिर से. डैंग इट, ओके तो लास्ट टाइम हम फिर से वापस कर रहे हैं. गुडनेस, मेड इट थ्रू अनदर नाइट. ओह सनराइज. ओ बाय द वे, कैंप मैंने देखा ही नहीं था. थैंक गॉड सनराइज देखने के लिए रुक गया, क्योंकि मेरे को मिस कर देता है कैंप. तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा आग चढ़ा के रेस्ट करना चाहिए. ये रही मेरी गरम गरम फायर, लेट्स स्टार्ट दिस नाउ. यस, मेरा सब कुछ है पहली बार. और यस, देयर यू गो फायर. और मेरे पास इतनी सारी बुक्स है ना, सही में उठाई थी मैंने चलते हुए. ओह नो, देयर इज स्टिल मोर. लिटरली सारी बुक्स चला दूंगा मैं इस इंसान की. ठीक है चलो, एक घंटा सोने में ही काफ़ी है. भाई देख रहे हो, एक घंटा सो के बिता रहा है अपनी जिंदगी. तो मिड डे होने वाला है और थोड़ा सा टिके फायर बची है और खाना भी नहीं है. डूड कितना हार्ड है सर्वाइवल इसमें, और मेरे लिए एक्स्ट्रा हार्ड इसलिए हो रहा है कि मैं दूसरी दूसरी जगह पर नहीं जा रहा जहाँ पर नहीं जाना स्टोरी के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे साइड लोकेशंस भी हैं यहाँ पर, जैसे वो रेडियो टावर और कोई बहुत सारे घर भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है स्टोरी के लिए. इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट द स्टोरी टू एंड फास्ट, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ क्या होता है एसेट कहाँ पर है. लेकिन एट द सेम टाइम आई नीड द रिसोर्सेज, लेकिन आई गेस आई एम गेटिंग बाय, मैं कर पा रहा हूँ बेयर सर्वाइव. तो अब चलते हैं, हमारा रेस्ट हाफ है तो शायद वी विल बी एबल टू गेट देयर सेफली. There it is, finally. मैं तो देख भी नहीं, समझ भी नहीं आता क्या देख रहा हूँ. वो रहा ट्रैप हाउस नहीं, ट्रैपर घर. एंड 1 आवर मार्क हो गया रिकॉर्डिंग में. आप लोग कितना टाइम हुआ है देखते हुए? 5 मिनट्स. भाई मेरे टाइम कम बीतता है आप लोगों के लिए, पता नहीं क्यों. ऑफ कोर्स बहुत कुछ वॉकिंग है ना इसमें, इसलिए मेरे को लिटरली 30 मिनट्स हो गए वॉक करते हुए वहाँ से यहाँ तक. आर यू किडिंग मी? यहाँ पर ग्रेव यार्ड, यहाँ पर 3 ग्रेव्स लगी हुई है. Who do you think they are? Can't feel my feet. Oh, here we go again. आ गया मैं गाइस. Are you still alive? How are you still alive यार? Tell me. Yes, sweet, sweet cutscene. Thank God. Did you find it? Yes. The legend might be bunk, but the spear is real. Maybe the legend is also real. Maybe. Let's hope so, for your sake. For my sake? Yeah. The bear is definitely tracking me. You have any luck with the radio? I did. Yeah. Did you see the lights in the night sky? Well, when that flared up, the radio came to life. Yes. Just lit up. Started spitting out noise, but it was all gibberish. Oh. Bits and pieces of things. Music. Talking. Mm-hmm. I think it needs more range. More powerful signal. Radio tower. If we could find a way to boost the signal strength when the aurora is active, we might be able to get a message out. Let me guess. You have an idea. You're starting to get it, Mackenzie. I am... I was digging through some old geological survey maps. Those look like military insignia stamped on there. Focus, Mackenzie! Oh, sorry, please. This survey shows a series of radio transponder towers that cross back and forth across Great Bear. Why would those be there? Good question. But for another time, we can use these. How? Each tower has some electronics that'd serve like a signal booster to make sure the message gets to the next relay. Okay. Well, you get me 2, maybe 3 of those, and I might just be able to rig us up our own signal booster. It might, huh? And I guess I need to do this while old Bear decides if I'm going to become the next chapter in his legend? Don't be silly. Spence's bear would be long gone by now. That was...
150 years ago. Hmm. Maybe he has, I don't know, genetic memory. Ridiculous idea. Bro, mau ridiculous idea. There's definitely a bear out there, and he's definitely interested in you. Oh. You'll just have to take your chances. Says the guy safely inside the wooden cabin. Damn it! You think I want to be in here? Shots fired. I need to get a message out, and this might be the only way. Sure. What message? What does this have to do with me contacting my friend? There's more at stake than you and your friend! Same? Please, Mackenzie. Get me those boosters. I'll fix the radio, and the first call we'll make will be to Perseverance Mills. I promise. Okay. I'm on it. I'll be back with the transponder parts. Watch your back, Mackenzie. What do I have to worry about? I have a legendary 150-year-old demon bear hungry for my blood. Bullets don't stop him, but I'm armed with basically a medieval weapon, which I'm sure will do the trick. I'm stuck in this winter wasteland where lights in the sky make the power flicker and electronics explode, and the only people I seem to meet are all slightly crazy. Oh my god! And this is all after I crashed my plane deep in the wilderness and somehow lost my ex-wife along the way, and I'd really kind of like to find her back. Don't forget about the wolves. Oh my god! Let's get on with it. Yeah, review the Regas game ka 7 out of 10. What the hell was that? I literally gussa tha, lekin ye is dialogue ke wajah se main thoda sa khush hu. Chapter 3, Signal to Noise. Retrieve transponder parts from each tower in forlorn musk hai, wo bikar si lake wali jagah. Are you kidding? Can we have a bro in the chat and dislikes on this video? Can we hit 10 dislikes on this video, please? Dislike for this trapper, ye literally khud ja nahi sakta. Ya tu zinda kaise pada apne bed pe 4 din se, literally dude, what the heck? Bhai, main so bhi nahi sakta is ghar mein. Theek hai. पता ही करेंगे लास्ट एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड पता ही करेंगे वी विल गो टू ईच एंड एवरी रेडियो टावर इन दिस गेम तीन रेडियो टावर्स हैं वहां पर हम एक छोटा सा पार्ट उठाएंगे जो रेडियो को ठीक करेगा तो हमने पहले क्या किया था कि रेडियो इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन लोन टू ह्यूमन काइंड और इसलिए हमें इसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स चाहिए जो कि दुनिया में स्प्रेड आउट है लाइक GTA 5 के पार्ट्स कलेक्टेबल जैसा है बट इट्स इन स्टोरी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डिसलाइक करो और सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो और आपके सामने चार वीडियोस आ गए होंगे एक ही उनमें से होराइजन जीरो डॉन का फर्स्ट एपिसोड जो मैंने कल डाला था जो बहुत अच्छा है सही में आपको देखना चाहिए अगर उन्हें देखा है तो और बाकी के तीन वीडियोस जो यूट्यूब ने आपके लिए पर्सनली रिकमेंड किए हैं फिर मेरे लेटेस्ट अपलोड्स अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो आपको देखने चाहिए और मैं आपको उन वीडियोस में लूंगा या फिर अगले वीडियोस में लूंगा जब तक के लिए Outro.